जेवर कोठी, खुशियों में जोड़े एक नया रंग। वहाँ मिलेंगी तुम्हारी मनपसंद डिजाइन वाली सारी ज्वेलरी। सो स्वीट। जेवर कोठी, खुशियों में जोड़े एक नया रंग। अजय होटल बिल्डिंग, लंगड़ावीर मेन रोड, वाराणसी। स्कॉलर्स वैली, अ होम ऑफ एजुकेशन। प्ले ग्रुप टू क्लास 8, कॉल 9235442970। नियर उकार हॉस्पिटल, सुंदरपुर, वाराणसी। एजुकेशन पार्टनर विद टाटा क्लास 8। जिनका की सर्टिफिकेट देके सम्मान करें। सर्वप्रथम सर्वेंद्र कुमार खरवार, ब्लैकबेल्ट फर्स्ट डैन। इधर देखिएगा, ऐसे ऐसे ऐसे। विनय यादव, ब्लैकबेल्ट। इसी ब्लैक बेल्ट की प्रक्रिया में मैं आपको बताऊं कि ब्लैक बेल्ट फर्स्ट रैंक के बाद हमारे आगे 10 प्रमोशंस होते हैं, जिसमें बनारस जिला से दो ऐसे लोग हैं जो आगे के 10 प्रमोशन भी दे रहे हैं। साक्षी जायसवाल सिंह, ब्लैक बेल्ट थर्ड रैंक। सब जूनियर नेशनल मैन का पार्टिसिपेशन रहा है बनारस जिले की तरफ से। रुक्मणी ऋषि, एचयूआई नेशनल गुजरात, इनके कोच जो है वो आके इसको कलेक्ट करें, वो शायद परीक्षा में है। रुक्मणी ऋषि के कोच जो भी है, आसिफ खान, सीबीएसई नेशनल बलरामपुर। अभय कुशवाहा, सीबीएसई नेशनल बलरामपुर। विशाल राय, सीबीएसई नेशनल बलरामपुर। विशाल ने इससे पहले भी राष्ट्रीय कई सारे पदक बनारस को दिए हैं और बनारस के उभरते हुए खिलाड़ियों में गिने जाते हैं। कौन मैं बताते चलूँ, साक्षी जो है हमारे जिला ताइक्वांडो एसोसिएशन के सचिव नंदलाल सर की बेटी है, और इससे पहले भी क्योंकि खून में ताइक्वांडो है तो कई बार नेशनल में मेडल दिया है। ये बच्चे कुछ बलरामपुर में खेल के आए, अभी सीबीएसई में कुछ नेशनल खेल के आए थे, कुछ बच्चे जो जीवन टूर्नामेंट इंटरनेशनल हुआ था उसमें ये लोग खेल के आए थे। कितने बच्चों का आप सम्मान किया? 20 बच्चों का सम्मान हुआ है। क्या फ़ायदा होता है सम्मान करने से? सम्मान करने से बच्चा उत्साहित होता है, बच्चा जाएगा घर में अपने माता पिता को, अपने यार दोस्तों दिखाएगा, तो एक तो इनका उत्साह वर्धन होता है, दूसरे ये प्रचार करते हैं कि आप आइए और हमारे साथ गेम में जुड़िए। तो हमारा एक गेम ऐसा गेम है जो लड़की या लड़का सीख रहा है, तो आज जैसे आप देखते हैं कि जो हालात ख़राब हैं, ये लड़कियां जो सीख रही हैं ये पिटेंगी नहीं किसी से, ना किसी के शिकार होंगी, इतनी सक्षम होंगी कि अपने में कोई भी इन पर हमला करेगा खुद निपट लेंगी। तो हमारा गेम जो है एक तो गेम है, उसके बाद सेल्फ डिफेंस का बहुत बड़ा आर्ट है। सेल्फ डिफेंस हम सिखाते हैं कि बच्चे आगे चल के भविष्य में कोई इनको दहेज में नहीं मार सकता। गृह जो आजकल वो होता है कि घरों में वो हिंसा बढ़ रही है, उसमें ये शिकार नहीं होंगे कभी। तो ये बहुत बड़ा हम लोगों के लिए प्रण दिया हुआ है। और 20 बच्चों को सम्मानित किया गया है। ये बच्चे जो है किसी बनारस के बच्चे हैं और इन्होंने इस वर्ष किसी न किसी राष्ट्रीय प्रतियोगिता में ये लोगों ने अपना चयन करा के भाग लिया, वहाँ पर इन्होंने पदक प्राप्त किया, इसलिए इनका ये सम्मान किया गया है। जी आप और गेम हैं, आपने इतना कठिन गेम ताइक्वांडो को ही क्यों चूज़ किया? क्या ताइक्वांडो एक तो सबसे पहले डिफेंस सिखाता है, डिफेंस इन द सेंस हम जब डिफेंस करते हैं तो एक तो ये डिफेंस, सेकेंडली ये ऐसा गेम है जो कि हमें अलग लाइक एक गेम का दर्जा भी देता है, और इस गेम में प्रोबेबली हम बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है, तो इसलिए ये गेम चूज़ किया। सार्थक सर्जिकल सेंटर, जहां अत्याधुनिक लिथोट्रिप्सी मशीन द्वारा गुर्दे की पत्रिका बिना ऑपरेशन के सफल इलाज, एक ही छत के नीचे सारी सुविधाओं के साथ एक संपूर्ण हॉस्पिटल, एकता चौराहा, पहाड़िया, वाराणसी।